नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको सिंपली तौर पे बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट ब्लाउज पे बता रही हूँ। हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है 40 साइज चेस्ट, 33 कमर, बाजू की लेंथ है 4 या 5 और बाजू की जो राउंड है वो है 14, आगे का नेक है 7 और बैक साइड का नेक है 11 इंच। ये हमारी प्रीति शर्मा सब्सक्राइबर की डिमांड है और इसीलिए मैं उनको ये कटिंग भेज रही हूँ। स्टिचिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं और बाकी मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। बहुत सिंपल और सुंदर और एकदम से सरल स्टिचिंग की वीडियो होगी, तो वो आप नीचे लिंक है उससे आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको सिर्फ कटिंग बता रही हूँ, डायरेक्टली कपड़े पे कटिंग। ये मेरे पास देखिए 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, ठीक है। डायरेक्टली ब्लाउज पे कैसे कटिंग करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले सिंगल करेंगे और सिंगल करके फिर इस तरह से। ये हमारे कपड़े क्या है, ये है उबा साइड, इसको खड़ा बोलते हैं, क्योंकि ये जो किनारी साइड में होते हैं ना, वहाँ पे क्या ली जाती है, ब्लाउज की लेंथ ली जाती है। ब्लाउज की हमारी जो लंबाई है ना, जैसे 14 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई तैयार चाहिए, तो ये वाली पूरी लंबाई होगी। तो यहाँ पे हम लेंगे 14 इंच ब्लाउज की लंबाई, तैयार लंबाई, और सीना है हमारा 40 इंच। तो 40 के अंदर 40 का फोर्थ पार्ट करते हैं तो आता है 10 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 इंच, अगर आप बॉडी से नाप लिए हो और आपका 40 आ रहा है तो आपको प्लस 2 करने होंगे। अगर आप ब्लाउज से नाप लिए हो और 40 इंच ब्लाउज का नाप है तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 इंच हो गया है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया ना, और उसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो लगभग है यहाँ पे इतना मैंने फोल्ड किया हुआ है डबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई देखेंगे। लंबाई देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका यहाँ पे समझा रही हूँ, ताकि जो घर पे बहने सीख रहे हैं ना, उनको सीखने में और सिलने में बहुत ही आसानी हो। सिलाई के लिए नीचे लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई है नीचे की फोल्डिंग। इसके बाद आपको कितनी तैयार करनी है लेंथ, 14 इंच। तो आप कितना प्लस करेंगे, आधा इंच। आधा इंच प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर शोल्डर में सिलाई जाएगी ना। अब जब हम दोनों के शोल्डर आगे पीछे के पार्ट्स के अटैच करेंगे तो वो सिलाई के लिए। यहाँ पे हम इसके अंदर सिर्फ 5 इंच हम शोल्डर लेंगे, क्योंकि आगे का नेक है 7 इंच, बैक साइड का नेक है 11 इंच। तो नेक की चौड़ाई, मतलब सॉरी, नेक की लंबाई बहुत है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 5 इंच शोल्डर लेने होंगे। और नेक की चौड़ाई कितनी लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे सिर्फ 2 इंच। अब यहाँ पे हम बैक साइड का पार्ट्स कटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ मैं 2 करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी, कटिंग हम बाद में करेंगे, फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के बाद में। तो ये हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 11 इंच। और यहाँ पे हमारी नेक की चौड़ाई मैं यहाँ से नीचे से ब्रॉड कर रही हूँ, 3 इंच ले रही हूँ, ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है। अब आपको इस तरह से नेक को ड्रॉ करना होगा गोलाई में। हो गया है हमारा नेक ड्रॉ बैक साइड का, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम 5 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे और हम आर्मोल लेंगे, क्योंकि 40 साइज है तो 6 इंच आपके आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और बिल्कुल 6 इंच से आप देख सकते हो, जब मोड़ रही हूँ तो मैं इसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना, कुछ कम नहीं लेना, कुछ ज़्यादा नहीं लेना। अब यहाँ पे हम 10 इंच से बस ऐसे लूज लेंगे, ऐसा नहीं 10 इंच के बिल्कुल ऐसे ले लिया तो थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं, 10 इंच से थोड़ा लूज लेंगे। तो ये हो गया 10 इंच, ठीक है। बैक साइड का शेप लगाएंगे हम, क्योंकि ब्रॉड और डीप नेक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1/4 इंच, ये 1/4 इंच का यहाँ पे पॉइंट आता है कॉर्नर पे, 1/4 इंच का पॉइंट लगाएंगे और इसको आप यहाँ पे पॉइंट लगा करके और इसको इस तरह से राउंड शेप लगा देंगे। तो हम इसको इस तरह से राउंड शेप में ऊपर तक इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड, ओके। अब हम चेस्ट भी हमारा ओके हो गया, यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन का एक पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हो गया 2 इंच का मार्जिन का पॉइंट। अब हम आते हैं कमर के पार्ट्स में। कमर है हमारी 33, जिन्होंने नाप दिया उनके 33, तो ये 33 का फोर्थ पार्ट हो गया 1/8 इंच, ठीक है। 1/8 इंच में हम प्लस करेंगे 1 इंच डाट के लिए, ये हो गया 1/9 इंच। तो 1/9 इंच पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद 2 इंच का मार्जिन का पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ध्यान रखें हमारे पॉइंट्स बिल्कुल बराबर में मिलने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमने मिला दिए हैं। अब हम यहाँ पे 40 का 1/10 भाग 4 इंच, 4 इंच पे हम लगाएंगे तो ये यहाँ तक आता है, इसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। 4.5 इंच पे हम ये बैक साइड की डाट लगाएंगे और डाट की जो लेंथ है वो होगी 4 इंच की टोटली। ये वैसे 6 इंच हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीछे, लगभग 2 इंच के नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ा हुआ है। तो टोटल लेंथ होगी 6 इंच और डाट की लेंथ होगी 4 इंच। बैक साइड पार्ट्स बिल्कुल तैयार है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं 4 कट के निशान लगाऊंगी। देखिए पहला तो नीचे की फोल्डिंग का, कि हमने यहाँ पे कितनी नीचे की मोड़ाई एक्स्ट्रा ली है, ये वाली इतनी, ठीक है।
ये वाला हो गया कट का निशान। दूसरा कट का निशान लगाऊंगी मैं जो बैक साइड की जो दो डॉट है ना वो बिल्कुल जो ये मिडिल सेंटर है ना मिडिल सेंटर से बराबर की दूरी में लगे इस तरफ भी और बराबर की दूरी में लगे इस तरफ भी। तो ये कट का निशान हो गया ना, यहाँ पे हम इसको इस तरह से पकड़ करके और लगा लेंगे ठीक है। तीसरा निशान लगाएंगे हम नेक की चौड़ाई पे, हमारा नेक जो है इससे चौड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है। चौथा हम कट का निशान लगाएंगे यहाँ पे मार्जिन पट्टी पे कि यहाँ से ज़्यादा हमारी फिटिंग की सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारी चौक आ गई इस पार्ट्स पे, तो पर इस पार्ट्स पे तो नहीं आई ना, तो इस पार्ट्स पे ये आपको डो बताएगा इस पार्ट्स इस तरफ भी आपको ये जो कट का निशाना ना ये बताएगा कि आपकी नेक की चौड़ाई इतनी ही है। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपकी ये जो डाट है ना यहाँ पे लगानी है, जितनी भी आपको लंबी लगानी हो वो यहाँ पे आपको लगानी है। और ये आपको बताएगा कि ये आपकी इस तरह से फोल्डिंग है, ये आपकी मुड़ाई है। तो इस तरह से कट के निशान यूजफुल होते हैं। अब हम आगे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। आगे के पार्ट्स के लिए देखिए हम लेंगे इस तरह से, तो भी आपने देखा इस तरफ से हमने बैक साइड का पार्ट्स कटिंग कर लिया, ये जो चारों फोल्ड है बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कटिंग करूँगी, अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी ठीक है ना। और बाजू की कटिंग में अगर थोड़ी सी चौड़ाई कम पड़ रही हो तो यहाँ पे हम इतना जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी इसकी चौड़ाई कम पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि चारों पार्ट्स में आप जॉइंट लगाओ मार्जिन तक का, तो आप चारों पार्ट्स को बराबर ऐसे कटिंग कर सकते हो और बाद में जो मार्जिन के हो वो यहाँ पे आप पट्टी जॉइंट कर सकते हो वैसे, क्योंकि इसमें जो आपको चौड़ाई है वो 8 इंच तैयार चाहिएगी, तो यहाँ पे ये 8 इंच हो गई है। तो इसलिए मैं चूँकि एक ही पार्ट्स में जॉइंट लगाने वाली हूँ, आगे की साइड वाला जो पार्ट्स है ना उसी में मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया, 8 इंच तक मैं लगभग इसको फ्रेश रख लूँगी। तो ये मैंने 8 इंच तक इसको ओके रख लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे 2 इंच का जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे हम 5 इंच बाजू की हमें लेंथ तैयार चाहिए, तो आप देख सकते हो ये कितनी है 5 इंच। और जो नीचे की है वो है हमारी फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें हमें फोल्डिंग भी तो चाहिएगी ना, तो आप चाहे तो थोड़ी फोल्डिंग कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फोल्डिंग कम कर ली है क्योंकि बाकी हमें ऊपर का पार्ट्स भी तो कटिंग करना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ 5 इंच हमें तैयार बाजू चाहिएगी, तो यहाँ पे हम 5.5 ले सकते हैं। तो ये हो गए 5.5 इंच इसकी लेंथ, तो ये वाली हम लेंथ ले लेते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और ये होगा हमारा इस तरह से। अब चाहे तो इस पॉइंट को 2.5 इंच पे भी लगा सकते हो और 3 इंच पे भी लगा सकते हो। अब आपको इस पॉइंट्स को इस तरह से इसको इसमें मिलाना होगा इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पे 0.25 इंच का एक ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 0.25 इंच का पॉइंट। हाफ सेंटर को छोड़ करके आप 0.25 इंच का पॉइंट लगाइए। अब आप इस तरह से इसको पॉइंट को फिटिंग पॉइंट तक इस तरह से मिला दीजिएगा। अब हमारा होगा लगभग ये वाला फिटिंग पॉइंट लास्ट, तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया और ये हमारी बाजू की कटिंग का शेप हो गया है। तो अब हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो आपने देखा बाजू की कटिंग हो गई है और यहाँ पे बस हमें इतना ही जॉइंट करना है, नीचे वाले दो वाले पार्ट्स में हम इतना ही जॉइंट करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और जो शेप है वो हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा शेप कटिंग हो गया है। यहाँ पे हम मिडिल सेंटर का पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे हम फोल्डिंग का कट लगा देते हैं और ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। बाजू हमारी तैयार है, इतना सा हमें जॉइंट लगाना है इसके अंदर। अब हम आते हैं वापस अपने बेल्ट के पार्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल है ये और यहाँ पे ये कॉर्नर्स हैं। तो अब हम किस तरह से कटिंग करेंगे इसकी, इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में सुविधा हो। अब हम आगे के जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उसको रखेंगे यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे रख दिया है ठीक है। रखने के बाद एक बार हम यहाँ से यानी शोल्डर फिर आर्म होल और फिर मार्जिन लाइन के एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने ये शोल्डर पे ड्रॉ कर लिया है, ये आर्म होल पे ड्रॉ कर लिया है और ये मार्जिन लाइन पे आप यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लिया है ठीक है। अब मुझे बेल्ट का पार्ट ऊपर वाला पार्ट्स कितना चाहिए, यहाँ पे 40 साइज के चेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए 13.25 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हो 13.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है ठीक है। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर देती हूँ। ये तो हो गई है हमारे ऊपर वाले पार्ट्स की लंबाई और यहाँ पे ही हम लगा देते हैं ये गोलाई। अब हम लेते हैं नेक, नेक है यहाँ पे 7 इंच
हमसे बोला हुआ है 7 इंच का, तो ये मैंने 7 इंच का नेक ड्रॉ कर दिया और 2 इंच की यहाँ पे हम चौड़ाई रख लेते हैं नेक की, और यहाँ पे हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये नेक ड्रॉ भी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 इंच में फिर पॉइंट लगा करके और ये वाला जो है ना आर्मोल सेट वो सेट करना है। आर्मोल सेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लाउज ख़राब होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे का आर्मोल ये देखिए यहाँ पे 6 से थोड़ा कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कर लेंगे और इसका जो राउंड शेप आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से आपका आगे का पार्ट्स बहुत बड़ा हो जाता है और बाजू जो है वो आपकी फिर छोटी पड़ती है। बैक साइड में तो बराबर आ जाती है, आगे के पार्ट्स में छोटी पड़ जाती है, कारण कि सही से कटिंग नहीं की हुई होती है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का राउंड शेप कर्व लगा दिया इस तरह से हाथों से ही, और ये हाफ सेंटर तक इसको हम मिला देते हैं, तो ये हो गया हमारे आगे का शेप, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसमें एक्स्ट्रा कितना लेंगे हम, ये तो बाकी बेक साइड के बराबर का मेजरमेंट दिया हुआ है मार्जिन साइड तक, अब आगे का एक्स्ट्रा लेंगे हम जो यहाँ पे डार्ट लगाएंगे ना उसके लिए, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं 1 इंच का, तो ये 1 इंच और एक्स्ट्रा लेकर के हम इस पार्ट को यहाँ तक ले लेते हैं, तो ये मैंने नीचे तक इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आप 1/4 इंच सिम के लिए एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आपको ऐसे लगे कि आपको सिम की यहाँ पे ज़रूरत हो, तो यहाँ पे मैंने 1/4 इंच सिम के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। क्योंकि क्यों लिया है, क्योंकि हम नीचे क्रॉस पट्टी में जॉइंट करेंगे तो हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम 1/4 इंच सिम का एक्स्ट्रा लेकर के, ये तो 1.25 इंच चेस्ट का 3rd भाग किया है और ये है हमारा सिम के लिए एक्स्ट्रा, तो अब हम इसको इस तरह से बराबर में कट कर लेंगे और ये हमारा ऊपर का बेल्ट का पार्ट कटिंग हो गया। अब मैं नीचे आपको क्रॉस पट्टी भी अलग से कटिंग करना बताऊँगी। आपको 4 टक्स लगाना बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो टक्स पॉइंट लेते हहैं, टक्स पॉइंट इस साइज के अकॉर्डिंग लगभग होता है 9.5 इंच पे, तो ये आप देख सकते हो ऊपर से मैंने 9.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे ये हो गया सेंटर पॉइंट। इस ब्लाउज का क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, टक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट हो गया है। अब इस सेंटर पॉइंट से आपको सीधा नीचे यानी यहाँ से मैं 4.5 इंच जैसे इसका 10वां भाग 40 है ना, 40 का 10वां भाग 4 इंच होता है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके 4.5 पे एक पॉइंट लगाती हूँ और इसको सेंटर पॉइंट तक इस तरह से लंबा ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये वाली जो हमारी टक्स होती है यहाँ से आप 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगा दीजिए, ये आपको टक्स यहाँ तक लगानी होगी, ठीक है। दूसरा आपको इस तरह से इसी पॉइंट में आपको मिलाना है, इसी पॉइंट में मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है सेंटर पॉइंट में, और इसको भी मैं 1.5 इंच या 1/4 इंच कम आप इस तरह से सारे पॉइंट्स लगा सकते हो, तो 1/4 इंच चाहिए तो आप 1/4 इंच कम यहाँ पे ऐसे कट लगा दीजिए, ये आपका दूसरा टक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, पहला टक्स यहाँ से लेकर के सॉरी 1/4 इंच नीचे कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा ये वाला टक्स, यहाँ से यहाँ तक। फिर तीसरा टक्स जो हमारी मार्जिन साइड का होगा, सेंटर पॉइंट से इस तरफ पहले लाइन खींचेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1/4 इंच दूरी में एक कट लगा देना है, ये हो गया कट, तो ये आपकी जो टक्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगी। फिर चौथा जो आपको मार्जिन साइड से टक्स आएगा वो भी सेंटर पॉइंट में आपको इस तरह से पहले लाइन मिला देना है, और इस तरह मिलाने के बाद आप यहाँ से 1/4 इंच की दूरी पे एक पॉइंट लगा दीजिए, तो सेंटर पॉइंट पे रखिए 1/4 इंच के पॉइंट को, फिर यहाँ पे आपको कट लगा दीजिए, तो ये टक्स आपको यहाँ से यहाँ तक लगानी है, ठीक है। तो फर्स्ट टक यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड टक्स यहाँ से यहाँ तक, 3rd टक्स यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी सेंटर पॉइंट से बराबर की दूरी से आप 4 टक्स लगा लीजिए, और इसके लिए आपको यहाँ पे बराबर में कट लगाने होंगे 1, 2 इस तरफ में 3 और ये 4, ये आपका बेल्ट का पार्ट ओके हो गया है। अब मैं आपको क्रॉस पट्टी कटिंग करना बता देती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए 14 इंच ब्लाउज की तैयार लेंथ रखनी होती है, तो क्या करना होता है, इस तरह से आप इसको जांचेंगे, इस तरह से अगर आप इसको नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरफ से जाँचिए, यहाँ पर आप इसको 1/4 इंच कम कर दीजिए, ये मैंने इसको 1/4 इंच कम कर दिया है, और ये नीचे की सिलाई वाला हमको नहीं जॉइंट करना, यहाँ तक हमें इसको देखना है कितना है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चलिए 7 इंच मान लेते हैं, 7 इंच का ये हमारे पास मार्जिन साइड की लाइन है, ठीक है। और इस तरफ हम इस पार्ट्स को देख लेते हैं कि हमारा ये पार्ट्स टोटल कितना है, ऊपर से लेकर के और फोल्डिंग एरिया तक 10 इंच है लगभग, ये आप देख सकते हो इस तरफ से 10 इंच है, तो हमें कितना तैयार चाहिए मार्जिन साइड, 10 इंच की चाहिए, यहाँ पे कितना है 7 इंच, 3 इंच की हमारी क्रॉस पट्टी तैयार चाहिए मार्जिन साइड में, और नीचे की फोल्डिंग को छोड़ते हुए, कि कहाँ पे नीचे की फोल्डिंग को मैंने छोड़ दिया ना, तो 3 इंच हमें तैयार चाहिए, नीचे की फोल्डिंग अलग लेंगे, तो सबसे पहले नीचे की फोल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने नीचे की फोल्डिंग यहाँ पे
छोड़ दिया है। अब मुझे 3 इंच की क्रॉस पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच और सिलाई का आधा इंच 3.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ये इस तरफ में हो गया, मार्जिन साइड में हो गया 3.5 इंच। आप इस तरह देखिए, मार्जिन साइड में मैंने कितना लिया है, नीचे की तुरपाई की पट्टी को छोड़ कर 3.5 इंच, और इस तरफ में लेंगे हम 3.5 इंच, और फिर जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे हम इस तरह से इसको थोड़ी ऊपर से गोलाई करते हुए इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, क्योंकि इस तरफ आगे की साइड में ये थोड़ी बड़ी हुई होती है। और अब हम कमर का 4.25, 1/4 इंच सिम का 8.5, और 2 इंच की मार्जिन 10.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 10.5, और इस तरह से इसको कट करके अलग कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि छोटी नहीं होनी चाहिए हमारी पट्टी, एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। बड़ी होती है तो फिर लास्ट के अंदर कट करके बराबर कर दी जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। ये हो गई हमारी दोनों क्रॉस पट्टियाँ। तब आप आगे से देख सकते हो, ये इस तरह से हैं, तो ये इस तरह से होगी, इसमें ऐसे हो गया, और ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो गई। और जो 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये 2 इंच, वो यहाँ पे ऐसे जैसे ही ये स्टिचिंग हो जाएगा 2 इंच का, तो ये बिल्कुल हमारा जो पार्ट्स है बिल्कुल बराबर में यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा। अभी मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ, और फिर सिलाई कीजिएगा। सिलाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये चारों टक्स लगानी होती है। चारों टक्स लगाने के बाद आप क्रॉस पट्टी को जॉइंट करेंगे, फिर बैक साइड को जॉइंट करके बाजू लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बाजू में जो जॉइंट था ना, वो भी दिखा देती हूँ कि बाजू में आप जॉइंट कैसे यहाँ पर कटिंग कर लेते हो। तो यहाँ से हम ये रफ कपड़ा लेंगे, जो एक्स्ट्रा है या फिर जो वेस्टेज है, इस साइड को लेंगे, और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। यहाँ से आप इसको पिन से लुक कर लें, फिर आप इसको उलट दें, और अब आप इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीम का है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ, आप देख सकते हो, दबा दिया यहाँ पे, और अब मैं इसको बराबर में कट कर लूँगी, फिर इसको जॉइंट करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रख के आप, और इस तरह से इसको नीचे से बराबर कर ले। दो पार्ट्स है, डबल में मैंने इसको कट कर लिया है, और ये हमारा जॉइंट का पार्ट्स यहाँ पे कट हो गया है। तो ये इतना हमारा यहाँ पे जॉइंट लगेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, हो गया है। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।